साथ हैं अपने सवाल के साथ। विवेक नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको। नमस्कार सर, IRCTC सर 700 क्वांटिटी 750 की प्राइस है आपकी। 700 हाँ 700 की, 700 रुपए की, ठीक है। 700 रुपए के भाव पर 100 शेयर इनके पास हैं और आज तो हम देख रहे हैं कि शुरुआत अच्छी हुई थी लेकिन शेयर ऊपरी स्तरों पर सस्टेन नहीं कर पाया और फिसल गया। लेकिन अगर हम साल भर में देखेंगे तो ये शेयर थोड़े से संभलने की कोशिश करता है लेकिन फिर से नीचे आ जाता है और इस वक्त हम देख रहे हैं कि 615 रुपये के आसपास का भाव है। इसके चार्ट कैसे लग रहे हैं आपको नितिलेश, और क्या सलाह होगी, क्या आपको लगता है कि अब संभलने वाले फेज में ये चला गया है, अब यहाँ से अब ज़्यादा डिस्टॉर्शन नहीं देखेंगे? देखो काउंटर में अगर हम लोग देखेंगे तो ऊपरी लेवल से काफी बिकवाली का प्रेशर है। जब तक ये काउंटर 640-650 के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा तो मुझे नहीं लगता कि एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा, लेकिन होप्स की तरह 580 से लेके 570 ये जोन को देख सकते हो। यहाँ पे अगर आता है तो थोड़ा सा काउंटर आप ले कर सकते हो, छोटी क्वांटिटी को आप यहाँ पे ले सकते हो 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर लग रहा है IRCTC से वो काफी वीक है। जितना मुझे याद है मैंने 750 से क्लाइंट्स को बिकवाली की राय दी थी 600 के टारगेट के लिए, तो उसी हिसाब से स्ट्रक्चर भी अभी भी वीक ही लग रहा है। जब तक ये काउंटर 640 के ऊपर नहीं निकलता तब तक स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत सुधार नहीं देखने को मिलेगा। आप दो तरीके से इसमें क्या कर सकते हो, प्लान कर सकते हो 580 के आसपास थोड़ा क्वांटिटी लेना 10 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, या फिर 650 ये लेवल को क्रॉस करेगा तो क्वांटिटी ऐड कर लेना, तब 15 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा देना बस। ओके ठीक है।